हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप कुछ चटपटा स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, हल्की फुल्की भूख है, या फिर आप चाय के साथ कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, तो इस तरीके का नाश्ता ज़रूर बना के खाएं। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं पोटैटो वेजेस बना रही हूँ। पोटैटो वेजेस खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। पोटैटो वेजेस बहुत तरीके से बनते हैं। तो ये मैंने आलू लिए हैं, मैं आपको अपना ये तरीका बता रही हूँ। अगर आपको पसंद आए, यूज़फुल टिप्स पसंद आए, तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से फ्री सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये मैंने 3 आलू लिए हैं इस तरीके के, आप छोटे बड़े कोई भी ले सकते हैं। इनको मैंने थोड़ा सा भिगो दिया था ताकि इनके ऊपर जो डस्ट मिट्टी है वो निकल जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो आपने इस तरीके से, अब मैंने इनको धो के अच्छे से एक बार और वॉश कर लेती हूँ ताकि ये देखिए डस्टिंग में जो होता है ना वो निकले अच्छे से, और ये आपके पोटैटो वेजेस बहुत अच्छे बने, ठीक है। अब मैंने इनको स्लाइस कर लेना, आप एक आलू के आप 4 भाग भी कर सकते हैं और 8 भाग भी कर सकते हैं, मतलब 8 हिस्से भी कर सकते हैं और 4 हिस्से भी कर सकते हैं। तो मैंने ये मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आप बड़े हैं अगर आपके आलू, तो आप ज़्यादा स्लाइस भी कट कर सकते हैं। स्लाइस कैसे कट करने हैं और कैसे रखने हैं वो मैं आपको तरीका बताऊँगी। तो ये पहले मैं स्लाइस कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पोटैटो वेजेस मैंने इस तरीके से काट लिए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये पोटैटो वेजेस इस तरीके से आपने पानी में डाल के रखना। मैंने इस तरीके के स्लाइस कट किए हुए हैं, आप चाहो तो मोटे भी रख सकते हो और पतले भी।